मिल जाएगा। अयोध्या के इस महत्वपूर्ण पर्व दीपोत्सव में आज विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो चुकी है। विश्व रिकॉर्ड काउंट करने की टीम जो है वो कहते हैं यहाँ पर दीपों में तेल डाला जा रहा है। हमारे वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं और इनमें बहुत ज्यादा जोश है कि अपने अयोध्या को एक देश को नया विश्व रिकॉर्ड और नया कीर्तिमान देंगे। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? और सबकी बार ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर मनाया जा रहा है इस दीपावली को, सभी योगी आदित्यनाथ जी को। जोश भरा हुआ उधर बोल रहा है, भारत माता श्री राम की पावन नगरी अयोध्या आज अपने चरम पर है। यहाँ खुशियों की दिवाली हो रही है, दीव की दिवाली हो रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आज शाम को योगी आदित्यनाथ, साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी और भी कई वीवीआईपी उसके अलावा यहाँ पर सबसे अनुभवी और सबसे अच्छा जो होने वाला है वो ये कि दीयों का उत्सव दीपोत्सव मनाया जाएगा। आज यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, विश्व रिकॉर्ड बनेगा, एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। अभी तक दीयों को जलाने का 151,000 का रिकॉर्ड है। अब अगला जो रिकॉर्ड होगा वो निश्चित तौर पर भारत का ही होगा। 3,00,000 दीयों से सजाई गई है अयोध्या और सभी घाट को। इस बार 15 घाटों को लिया गया है, अलग अलग सीढ़ियों को लगाया गया है। आप देख सकते हैं अब से 30 मिनट के बाद इसकी वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम की काउंटिंग शुरू कर हो जाएगी, जिससे शाम को 7 बजे तक घोषित कर दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पर 3,00,000 दिए जलाए गए हैं। और 8 बजे के आसपास घोषणा हो जाएगी कि विश्व में कीर्तिमान नया दर्ज हो गया है अयोध्या में दीपोत्सव का, दीपों के उत्सव का 3,00,000 से ज्यादा दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान अयोध्या के नाम हो जाएगा। ईटीवी के लिए अयोध्या से दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट।